की प्रचंड बहुमत की, भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी और प्रचंड भ्रष्टाचारी सरकार का डर आज दिख रहा है। डरपोक धामी, धिक्कार धामी। क्या उपचुनाव होने का मतलब है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही करेगी वहां चुनाव प्रचार? मगर ये डर अच्छा है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपने आज बता दिया है कि आपको युवाओं का कितना डर है। आपने पूरी ताकत झोंक दी है बागेश्वर के उपचुनाव में, मगर बाबा बागनाथ के दर्शन को जा रहे हमारे 3 नौजवानों को गिरफ्तार करने का क्या मतलब है? क्यों उनको उठा लिया गया बाबा बागनाथ के मंदिर से? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं युवाओं से, क्योंकि आप नौकरी नहीं दे सके, आपने बेरोजगारी को चरम पर पहुंचाया है। और आप जानते हैं कि बॉबी पवार का वहां पहुंचना, राम कंडवाल का वहां पहुंचना, नितिन दत्त का वहां पहुंचना आपके लिए खतरे की घंटी है। पूरी मैनेजमेंट कर लीजिए, अधिकारियों का दुरुपयोग करिए, सत्ता का दुरुपयोग करिए, मगर नौजवान की आवाज को दबाना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि नौजवान जब बोलेगा तो उखाड़ फेंकेगा धिक्कार डरपोक धामी को। आखिर ऐसा क्या हुआ आज कि दर्शन को जाते हुए ये 3 युवाओं को आपको उठाना पड़ा? ये बता रहा है कि आपका अहंकार आसमान छू रहा है। मगर ये देश लोकतंत्र है, संविधान के हिसाब से चलता है, और अगर तमाम पार्टियां किसी भी चुनाव में प्रचार कर सकती है तो कोई भी चुनाव में प्रचार कर सकता है। बॉबी पवार, राम कंडवाल, नितिन दत्त, ये अगर बागेश्वर में चुनाव प्रचार करते भी हैं तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है, उसे आप छीन नहीं सकते, लेकिन डरा नहीं सकते आप। आप युवाओं पर लाठियां भांजे, उनके ऊपर मुकदमे करें और उनको जगह से उठा ले, इधर से उधर कर दे, इससे जनता जो है वो आपकी तरफ नहीं आएगी। जनता जागरूक है और आपको उखाड़ फेंकेगी, मगर उसके पहले बॉबी पवार, राम कंडवाल और नितिन दत्त को तुरंत रिहा करें और दोबारा इस तरह का कुकृत्य ना करें। डरपोक, धिक्कार धामी।